गाइस कैसे हैं आप? और अभी हम हर की पैड़ी की तरफ जा रहे हैं और ये हर की पैड़ी की बाज़ार में आपको दिखा रहा हूँ। और ये है दोस्तों हर की पैड़ी के आसपास का नज़ारा। ये हर की पैड़ी के आसपास की दुकान है। छोले पूरी सब मिलेगा जाओ। आप देख सकते हैं आज जनवरी 2023 की 13 तारीख है और अभी भी यहाँ पे कितनी भीड़ है। काफ़ी दिनों बाद आज धूप निकली है चहल पहल हर की पैड़ी के आसपास की। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फूल मिल जाएंगे, केन ले लो यहीं से 20 रुपये का ले लो, 20 रुपये। और धीरे धीरे कदमों से हम हर की पैड़ी की तरफ को बढ़ते हुए, आपको हर की पैड़ी का गेट नज़र आ रहा होगा। देखिए कितनी भीड़ है अभी जनवरी के महीने में। और ये मेरे बाकी फैमिली मेंबर ये हर की पैड़ी का द्वार। देखिए पूरी हर की पैड़ी छक भरी हुई। ये देखिए हर की पैड़ी का जूता स्टॉल जहाँ पर आप जूता जमा कर सकते हैं। आओ आओ तो आते रहो, मम्मी तुम आते रहो। इधर का बेटा इधर को आओ, पीछे को आओ। ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी हरिद्वार। माता तो
फूल का विसर्जन करने के लिए अभी दिया जलाते हुए। जब कभी भी आप आए तो इस तरह से दिया जरूर जलाएं। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय और ये महिला घाट जहाँ पर महिलाएं वस्त्र अपने बदलती हैं अंदर जाके। ये देखिए, ये पूरे हर की पैड़ी बैठा करा नीचे को चलती हो, देखने के लिए तो बहुत है, इधर से ऐसे निकल सकते हैं। और हम आपको पूरे गंगा जी के दर्शन करा रहे हैं हर की पैड़ी में। ये देखिए, लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं आस्था और भरोसे का प्रतीक है हर की पैड़ी हरिद्वार में। और इस तरफ को आप देख सकते हैं बड़ी गंगा जी, ये देखिए, और सामने भोलेनाथ की मूर्ति और इधर माता सरस्वती की मूर्ति। हैं? कम तो क्यों, पान तो फिर बढ़ जा बाद में। गर्मी में तो और चाहते हो, बर्फ पिघलनी है वहाँ। ये हर की पैड़ी का नज़ारा, सामने हर की पैड़ी का मंदिर है।
ज़्यादा बहाव इस समय माता का। Thank you.